नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक और नया दिन और एक और नया सफर चालू हो चुका है। मैं और आपकी प्यारी बटरू मैडम निकल चुके हैं दोबारा। फिलहाल जो है तबीयत थोड़ी ठीक है, बॉडी मतलब फुल बॉडी फुल पोटेंशियल पे तो नहीं है, पर कल से बेटर है। एटलीस्ट नोज ब्लॉक जो थी वो खुल चुकी है, तो सांस लेने में इतनी दिक्कत नहीं है अभी। और आप देखोगी ये जो पसीना है ये बिना चले आ गया है अभी, तो मुश्किल से 500 मीटर चलने के बाद ही इतना पसीना है। बॉडी इम्यून सिस्टम जो है वो खुद लड़ रहा है और इसकी वजह से स्वेट क्रिएट हो रहा है, जो एक तरीके से अच्छा है। पर फिलहाल हम लोग चल सकते हैं तो चल रहे हैं। अब कितने ही दिन यहाँ पे रुक सकते थे, और कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, धीरे धीरे आराम आराम से चलेंगे, जितना हो सकता है उतना ही कवर करेंगे। धूप तो है पर धूप से बचने के लिए हमें परछाई भी मिल रही है साथ साथ। मैं अपने आप को धूप से ज़्यादा बचा नहीं सकता, पर बटर बच सकती है इस शर्ट की वजह से, तो अच्छा है। हाँ, बाकी ऐसा कुछ सुंदर माहौल है ईस्टर्न घाटी का। ये हमारी रोड जा रही है। ये धूप में चलना, पैदल चलना, बैग कैरी करना, ये मुश्किल तो है ही, पर सबसे ज़्यादा मुश्किल अगर कुछ है ना तो वो है अपने आप से लड़ना। और आज ऐसा ही एक दिन है मेरे लिए जहाँ मुझे अपने आप से लड़ना है और पार करना ही है ये। सबसे मुश्किल दोस्तों अपने आप से लड़ना ही है, तभी तो इतिहास बनता है। नहीं तो काफ़ी ख़राब है, पर लड़ेंगे, खुद से लड़ेंगे। कॉम्पिटिशन कोई और नहीं, मैं ही हूँ। हाँ, मैं ही हूँ। पर जब तक बटरू मैडम है मेरे साथ तब तक मुझे क्या ही होगा, है ना। बटर के सहारे मैं ऐसी पार कर दूँगा, है ना बटरू। हाँ, मैं अगर अकेला होता ना गाइस तो शायद मैं नहीं चलता, सच्ची बता रहा हूँ। पर बटर है ना मेरे साथ, तो बार बार मन यही कहता है कि नहीं तू कर सकता है। और बटर को जब भी देखता हूँ ना चलते ऐसी गर्मी में सब कुछ मेरे साथ बिना कुछ बोले, मुझे लगता है कि जब बटर मेरे लिए इतना कर रही है तो मैं भी ये कर ही सकता हूँ, है ना। तो थोड़ी देर रेस्ट लेते हैं, तो उसके बाद आगे चलेंगे। आज मौसम भी इतना साथ दे रहा है कि मैं क्या बताऊँ, कि धूप होके भी ऐसी धूप नहीं है कि चुभे, बहुत ही लाइट धूप पड़ रही है जिसकी वजह से मुझे चलने में ना दिक्कत नहीं है, बहुत ही आराम से चल पा रहा हूँ मैं। साथ ही साथ बटर को भी दिक्कत नहीं हो रही है। नहीं तो धूप ज़्यादा होती तो हालत बहुत ही ख़राब हो जानी थी। मतलब मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि नॉर्मल डे की धूप जैसे कल जितनी हो गई थी ना एकदम से बीच में, मैं तो अभी तक हो जाता भाई मेरा काम। पर आज बहुत ही अच्छी, बहुत लाइट सी धूप है। सुंदरता की तो कमी है ही नहीं यहाँ पे, जहाँ तक देखो बस सुंदर ही सुंदर माहौल मिलेगा आपको। तो भाई एक शॉप मिल रही है यहाँ पे, और चाय पीने की जगह मैं थोड़ा बादाम दूध पी ले रहा हूँ ताकि थोड़ी एनर्जी आए, और चाय से अच्छा अभी फ़िलहाल यही है। तो बटर तब तक रेस्ट करते हैं बराबर में, एक बार बादाम दूध पीते हैं फिर निकलते हैं। जो भी कहो व्यू बहुत शानदार है, और इस शानदार व्यू में आपको ये जो पैच दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे एक नदी हुआ करती थी, और अब ये नदी सूख चुकी है भाइयों। तो सोच लो कि आप क्या कर रहे हैं अपने भारत का। यहाँ पे एक नदी हुआ करती थी चीरू के नाम से, चीरू नदी, जो अब बिल्कुल सूख चुकी है। देखो आप, कुछ भी नहीं है। हमारे घरों में तो हमने बहुत सारा पानी भर लिया है ताकि कमी ना हो, पर हमारी नदियाँ सूखी छोड़ दी हैं हम लोगों ने। आज मौसम ने बहुत साथ दिया है भाइयों, धूप नहीं है एकदम बिल्कुल भी, तो ऐसी तैसी हो जानी थी आज बटर की भी, और मेरी तो हो ही रखी है और हो जाती। तो हम लोगों ने ब्रेक ले लिया है, एक ढाबा मिल गया है, जीत गीत जीत जीत पंजाबी ढाबा। बटर जी अपना खाना खा रही हैं, वही चावल मेरा भी थोड़ी देर में आएगा, मैं भी खाता हूँ। भाई लोग खाना तो खा लिया है बटर ने, और मैंने भी, मैंने पालक पनीर आया मस्त खाया मैंने। शुक्र रिकॉर्ड के रूप में मेरा इतना ज़्यादा खाने का मन था कि मैं एकदम फटाफट खा गया। तो मेरे से ज़्यादा चलना ठीक नहीं है, तो थोड़ी देर पेड़ की छाया में बैठे हुए हैं। बटरू जी वहाँ पर हैं, अपना बैठी हुई है, बनी हुई है मेरे से, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं
आराम करते हैं फिर चलेंगे। एकदम से खा के चलना भी थोड़ा दिक्कत है, तो वही थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद चल दिए हैं क्योंकि धूप कम हो गई है। आसमान में बादल और काले बादल दोनों आ गए हैं जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं, तो ऐसा ही रहे तो अच्छा है, बाकी दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो यहाँ से करीब 6-6.5 किलोमीटर एक सिटी दिखा रहा है जहाँ पे लोगों ने बोला है कि रूम लॉज है, मिल जाएगा तो अच्छा है, एक दिन और रेस्ट कर लेंगे अच्छे से तो बॉडी में थोड़ा और जान आ जाएगी। कोल्ड तो ऑलमोस्ट ठीक हो गया है, थोड़ी सी वीकनेस सी लग रही है अभी भी। तो भाई लोग फाइनली काफ़ी देर हो चुकी है, ऑलमोस्ट 4 बज गए और 3 से 4 लॉज पे पता किया। एक पहले हम लॉज पे गए, वो तो इतनी नींद में थे कि उनका मन ही नहीं गया लॉज देने का, उन्होंने कहा नहीं, मतलब वो इतनी नींद में थे। फिर उसके बाद हम लोग दूसरी जगह गए तो ऑफकोर्स हमारी बटरू मैडम की वजह से मना हो गया कि नहीं। फिर हम लोग तीसरे पे गए तो भी बटरू की वजह से मना हो गया। फिर हम लोग चौथे पे गए, हमारे जस्ट पीछे, और उन्होंने नॉन एसी रूम 1000 रुपीज़ बोला, तो भी मैंने बोला कि ठीक है ले लेते हैं। कहने के लिए यहाँ पे 3-स्टार होटल है, पर जब मैंने वाईफाई पासवर्ड मांगा तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला वाईफाई पासवर्ड नहीं मिलेगा। अगर वाईफाई नहीं होता तो कोई बात नहीं थी, तो भी मैं 1000 रुपये पे कर देता नॉन एसी के, बट वाईफाई है और नहीं मिलना तो फिर कोई नहीं भाई, मंदिर आश्रम में रेस्ट कर लेंगे इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम लोग एक चाय की दुकान पे हैं, मैं चाय पी रहा हूँ थोड़ा, और भाई की शॉप है, बटर बीच से बैठी हुई है। इतनी गर्मी हो गई है, क्या बताओ आपको कितनी गर्मी है, थोड़ी सी हल्की बूंदाबांदी हुई थी और सुबह ही ठीक था मौसम, उसके बाद तो ओह बहुत भयंकर गर्मी, सूरज ने जान सोख लिया ये देखो। तो इसलिए थोड़ी देर बैठते हैं, पानी वानी पीते हैं, चाय पीते हैं, फिर चलेंगे आगे, तब तक बटरू मैडम रेस्ट कर रही है। ब्रेक लेके फिर चल दिए बटर में, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बटर को अब हीट रिडक्शन जैकेट पहनाई है। बीच में तो भी बादल थे पर अब नहीं है, तो अच्छा यही है कि बटर को हीट रिडक्शन जैकेट पहनाई जाए। बाकी तो ये रोड यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर बता रहा है कोई ढाबा, तो बटर और मुझे वहाँ चलना ही पड़ेगा। विशफुली वो हाँ बोल देंगे, और नहीं बोलेंगे तो और आगे चलेंगे बटर में। आज दिन है ही टेस्टिंग भरा, तो क्या कर सकते हैं। देखो आप धूप बिल्कुल सामने पड़ रही है, यूजुअली ऐसी धूप ना 2-1 बजे होती है, पर आज 4 बजे हो रही है। भाई लोग पहुंच तो गए, दिखा तो यहीं कहीं रहा है, आगे वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ रह सकते हैं कि आगे जाना पड़ेगा। अब इतना चल लिए हैं तो क्या बात है, थोड़ा और सही। मुझे लग रहा है बंद है ढाबा, खुला नहीं है। हमको दिल की तसल्ली रहे तो नेचर कह रहा है एटलीस्ट व्यू तो अच्छा दे देंगे, टेंशन मत लो, अब धूप तो चली गई है। बंद है भाई, किस्मत ही आज ऐसी है। ये देखो बटर से मिलने एक दोस्त आ गया, चलो चलो जाने दो। हाँ क्या किस्मत है आज भाई। वो ढाबा तो आया नहीं, पर वो देखो वहाँ पे ना इंद्रधनुष बन रहा है, रेनबो दूर है इसलिए कैमरे में साफ नज़र नहीं आ रहा, पर ढंग से देखोगे तो हो मतलब यहाँ पे पूरी घाटियों का व्यू है और वहाँ बन रहा है बिल्कुल छोटा सा लाइट सा रेनबो। गायब भी हो गया, हो गायब हो गया, इतना ही टाइम मिला बटर, तुमने देखा ही नहीं, तुमने देखा क्यों नहीं हैं, क्या कह रहे हो, जल्दी चलो, खाना है, रेस्ट करना है, ठीक है चलो चलो। ये गांव का नाम क्या है? वेंकट राजमपेटा। तो हम लोग फाइनली वेंकट राजमपेटा में आए हैं, और वो जो ढाबा था आगे वो भी बंद था, मतलब हम लोगों को करीब करीब वहाँ से 5 किलोमीटर चलना पड़ा, और हम लोगों को दुर्गा माता का मंदिर मिला है, कनक दुर्गा माता का, और यहाँ पे खाने कुछ नहीं है, अन्ना मिले हम लोगों को, वो बोल रहे 5 किलोमीटर जहाँ से आए हो वहाँ तक और आगे तक। और आपको बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ बताता हूँ मैं, कि अन्ना ने बोला है कि आप जोमेटो कर सकते हो, स्विगी कर सकते हो, तो हम लोग स्विगी से खाना मंगा सकते हैं, और मैंने चेक किया चल रहा है, तो मतलब इतना अच्छा है। अन्ना अगर नहीं बताते तो हमारा तो काम हो जाना था, मैं तो सोच रहा था सामने से दही वही ला के सो जाऊँ खा के, पर स्विगी है तो फिर क्या ही बात है। और मंदिर है, नहा धो सकते हैं, सब कुछ है, तो एट द एंड ऑफ द डे आना ही था हम लोगों को यहाँ पे,
बटर पत्थर पीछे, ये देखो आते ही लेट चुके हैं। हो कहाँ से कहाँ, मैं सोच रहा था आज 15-18 किलोमीटर में रुका जाए, बट हम लोग वही एवरेज 25 किलोमीटर चल लिए हैं आज। हुई थोड़ा पानी पीते हैं, नहाते धोते हैं, फिर स्विगी कर लेंगे। तो भाई लोग बराबर में ही स्टोर था, हम लोग थोड़ा सामान लेने आ गए, ड्राई फ्रूट्स थोड़ी इधर पड़ी यहाँ पे, और चलते हैं। थैंक यू ना बटर तब तक वहाँ पे बाहर बांधा हुआ है, बोरे मंदिर में चलते हैं फिर स्विगी मंगा लेते हैं। मैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले लिए ताकि कमज़ोरी ना हो, और कुछ ही नहीं है। तो गाइस कैंप लग चुका है, बटर जी तो अंदर सो रही हैं, टाइम है स्विगी करने के लिए, और स्विगी कर लेते हैं यारों। आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं एक मंदिर में बैठे बैठे जो है स्विगी मंगा रहा हूँ। और यार एक चीज़ है यहाँ पे ना, बहुत मुश्किल से वेज मिलता है, और मोस्टली चीज़ें जो हैं वो नॉन वेज ही हैं। ये देखते हैं मन्ना अभी फैमिली रेस्टोरेंट, ओनली वेज 20 पनीर बटर मसाला। ये पनीर बटर मसाला देखो 260 का दिखा रहा है। मैंने आज पालक पनीर खाई थी और शाम को, और 4 रोटी खाई थी, बटर को दही राइस खिलाया था, तब मेरा बिल उस ढाबे पे आया था 220 रुपये, और यहाँ पे सिर्फ 250 रुपये का वो है। पर क्या ही कर सकते हैं, देखो 32 रुपये की रोटी है गाइस तो क्या ही है, यहाँ पे तो कुछ ढंग का दिख नहीं रहा मुझे। देखो बटर के लिए तो कर्ड राइस कर देते हैं, बेस्ट है 75 का, मतलब क्या ही बोलें, मार्ट सस्ती पड़ेगी। तो सी चेकआउट पे विद कैश डन गाइस, बटर का हो गया है, मेरा करते हैं। ओहो मुझे पालक पनीर सस्ता दिख गया अपने लिए, ये पालक पनीर कर देते हैं। रुमाली रोटी आई, तंदूरी रोटी आई, स्पेशल वेज बिरयानी, क्या ही कर सकते हैं, 4 तो खानी है कम से कम। हाँ मेरे को 124 ऑफ मिल रहा है इस पर, 253 डिस्काउंट के साथ, कैश करते हैं इसको भी। 2 ऑर्डर हमारे ये हो चुके हैं। ओ भाई हम लोगों का सही ऑर्डर भी आ चुका है, थैंक यू। हवाएं चलने लग रही हैं, बारिश होगी पक्का ना। धन्यवाद अमाउंट। तो भाई खाना आ गया, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नए दिन एक नए सफ़र में। फ़िलहाल फ़ोन चार्ज कर लेते हैं, सी यू टुमारो।